स्टूडेंट्स हम हम थर्ड टाइप ऑफ स्केल देखेंगे जिसको हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केलिंग कहते हैं तो आइए देखते हैं कि ये स्केलिंग कैसी है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल वाज डेवलप्ड इन द नाइनटीन एज एन इनडायरेक्ट मैयर ऑफ अ परसन फीलिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट और अदर पर्सन दिस स्केल मैय सब्जेक्टिव फीलिंग्स बाई यूजिंग मैनी बिकॉज पीपल यूजली कम्युनिकेट अवेलुएशन थ्रू एडजेक्टिव हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है किसी भी चीज़ को uh, जो रेट आउट करते हैं वो इन शेप ऑफ अ गुड और बैड रेट आउट करते हैं uh, अगर किसी की पोटेंसी देखनी है तो वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक हम उसको uh, उसको रेट आउट करते हैं अगर कोई एक्टिविटी देखनी है तो उसको एज अ एक्टिव और पैसिव देखते हैं तो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की तो वो कुछ यूँ है कि अगर आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट दी आइडिया ऑफ डाइवोस तो कितने हैं जो इसको बैड uh, समझते हैं और कितने हैं जो इसको गुड समझते हैं उनको एक सेट ऑफ रिस्पॉन्स दे दिया जाता है जिसमें वो अपनी फीलिंग को जो है वो रेट कर सकते हैं इसी तरह डीप शैलो वीक स्ट्रॉन्ग, फेयर अनफेयर क्वाइट लाउड मॉडर्न ट्रेडिशनल, सिंपल कॉम्प्लेक्स फास्ट स्लो डर्टी एंड क्लीन तो ऐसे हम सेट ऑफ एडजेक्टिव्स में हम आ, लोगों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वो डाइवोर्स को क्या समझते हैं कि इट्स अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया इट्स अ फेयर आइडिया और अ अनफेयर आइडिया इट्स अ क्वाइट और लाउड आइडिया और इट्स अ मॉडर्न डे थिंग और इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग और इट्स अ सिंपल थिंग और इट्स अ कम्प्लेक्स थिंग तो इस टाइप ऑफ स्केलिंग को हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केलिंग कहते हैं और सोशल साइंसेस में हम बहुत कम ऐसी सिचुएशंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके जो है इसका एनालिसिस करना मुश्किल है क्योंकि ये एडजेक्टिव्स की फॉर्म में है और जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसकी इसलिए ये जो है टाइप ऑफ स्केलिंग है ये भी इसका लिमिटेड यूज़ है सोशल साइंसेज में